नमस्कार, एसएस फूड एंड पिकल चैनल एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताना चाहेंगे कि हम आज आंवले के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। ये आप मेरे हाथ में पेड़ देख रहे हैं, ये आंवले का पेड़ है। हिंदू आयुर्वेद में और तमाम जो दुनिया भर की मेडिसिनल बुक्स लिखी गई, इस्लामी किताबें जितनी भी लिखी गई, आंवले को बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू के रूप में इसको बहुत उच्च माना गया। आंवला यहाँ पर इंडिया में दो तरह का होता है। ये जो आप मेरे हाथ में आंवला देख रहे हैं, ये असली आंवले का पेड़ है। जो दूसरे आप मोटे मोटे वृक्ष देखते हैं, वो जो जीएन खेती से आंवले की फसल उगाई जाती है, जीपी, वो होते हैं। ये हमारा देसी आंवला है, इसकी वैल्यू ज़्यादा मानी गई है। इसकी हाइट हमेशा छोटी रहती है। जितने भी हमारे जिस्म में तीन प्रकार के रोग होते हैं, वात, पित्त, कफ, उसके लिए आंवले को अमृत माना गया है। नाज़रीन, मैं अब आपको इसकी तना दिखाना चाहूँगी। ये देखें, ये देसी आंवला है। ये देखें, इसकी हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 10 फुट होती है, इससे ज़्यादा ये नहीं बढ़ता है। देहाती इलाकों में ये जो आंवला है, ये तो अभी पेड़ बहुत छोटा है, इसकी छाल को निकाल करके सुखा करके पीसा जाता है और साल भर के लिए रख दिया जाता है। और घर में किसी भी प्रकार का वात, पित्त, कफ, इससे रिलेटेड कोई भी रोग हो, उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। अभी इसमें नई पत्ती आ रही है, ये सर्दियों के शुरुआत में जब इसमें फ्रूट आएगा, तो जो फ्रूट है वो साइज़ में दरमियाना होता है। ये देखें आप, ये देखें, ये पेड़ छोटी जात का पेड़ है। इसे हम बालों के रोग में, पेट के रोगों में, या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़े होते हैं, या मिर्गी पागलपन, जो दिमाग से रिलेटेड रोग होते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी तासीर बहुत ठंडी मानी गई है। ये देखें, अभी ये पेड़ बहुत छोटा है। जितने भी हमारे आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती हैं, जितने वात, पित्त, कफ, जो तीन वजह हैं जिसकी वजह से हमें बीमारियाँ लगती हैं, उन रोगों में इसका आंवले का जड़ से लेके ये पत्तियों तक का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है नाज़रीन आपको मेरी ये आंवले की छोटी सी रेसिपी पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।